वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल और वंस अगेन थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे वीडियो को सराहा, मैं स्टॉक पिक्स ला रहा हूँ वहां पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, इनफैक्ट बहुत अच्छे टारगेट्स भी अचीव हो रहे हैं। एंड ओवरऑल मुझे लगता है कि ऐसे ही मैं हर हफ्ते आउटलुक लाऊं और सही आउटलुक आप लोगों को दे पाऊं, पूरी कोशिश रहेगी मेरी और मेरी टीम की जो ट्रेडसुक की रिसर्च टीम है। सो एनीवेज जो मैं अब इस हफ्ते देखा था, देखिए एक ट्रंकेटेड वीक था सर्टेनली, मई एक तारीख को महाराष्ट्र डे लेबर डे उसकी वजह से बंद था मार्केट, बट यस जो चार दिन थे वो भी काफी एक्साइटिंग थे और उसमें लास्ट डे जरूर से खराब बंद हुआ, बट आप देखिए थर्सडे के दिन जो वीकली सेटलमेंट था वो गजब की, वहां पे शॉर्ट कवरिंग देखी और अच्छी खासी एक राइज थी। बैंक निफ्टी और निफ्टी अपने आप लाइफ टाइम हाई से बहुत ज्यादा दूर नहीं रहे थे, बट यस फ्राइडे के दिन एक अच्छा खासा करेक्शन हमने देखा। थर्सडे के दिन भी देखिए एचडीएफसी लिमिटेड के रिजल्ट्स आए और किस तरीके से लास्ट हाफ एन आवर में मार्केट्स में कैसे तेजी आई, और उसी तरीके से फ्राइडे के दिन एमएससीआई वाली जो न्यूज आई एचडीएफसी ट्विंस के लिए उसकी वजह से अच्छा खासा एक करेक्शन मार्केट में देखने को मिला। लाजमी है देखिए कोई भी जब पॉजिटिव न्यूज आती है मार्केट्स अच्छे रहते हैं तो उसका रिएक्शन भी बहुत बढ़िया रहता है, और जब एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाए जहां पे मार्केट को कोई ना कोई बहाना चाहिए एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर से। और देखिए नॉन स्टॉप अप्रैल का महीना बहुत कंफर्टेबली इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है, मार्च के लास्ट वीक से लेकर हम देख रहे हैं नॉन स्टॉप मिड कैप स्मॉल कैप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स तो काफी रेजिलियंस दिखा रहा है और मिड कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही इस हफ्ते बहुत बढ़िया चले। इनफैक्ट देखिए निफ्टी और सेंसेक्स बहुत ज्यादा अगर नहीं भी चले हैं बट ओवरऑल आप मिड कैप इंडेक्स देखें तो करीब 1.41% के लगभग राइज किया है और बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स वो भी करीब 1.27% के लगभग राइज किया है। सो इस तरीके का एक बढ़िया हफ्ता गया और कुछ चीजें जो नेगेटिव हुई ग्लोबल क्यूज बहुत पॉजिटिव नहीं थे बट फिर भी हमारे मार्केट्स ने आउट परफॉर्म किया उनको तो एक बहुत बढ़िया चीज है। फिर हमने देखा जीएसटी का डेटा गजब का डेटा आया, अप्रैल का महीना पिछले साल भी बढ़िया रहा था और इस साल भी बढ़िया रहा है और 1.87 लाख करोड़ दैट्स अ बिग फिगर। अगेन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी और बढ़िया ये नंबर्स आउट परफॉर्म करेंगे अपने आप को। फिर दूसरा देखिए मैन्युफैक्चरिंग का जो पीएमआई इंडेक्स है मैन्युफैक्चरिंग परचेज मैनेजर्स इंडेक्स वो भी बढ़िया आया, उससे भी बहुत कॉन्फिडेंस आता है 57.2 जो कि पिछले महीने 56.4 था। सर्विसेज पीएमआई तो इनफैक्ट मल्टी ईयर हाईज, मतलब अगेन दैट्स अ वेरी बिग क्योंकि इंडिया में सर्विसेज का जीडीपी का बहुत बड़ा रोल है, इनफैक्ट इंडिया एक तरीके से बैक ऑफिस टू द वर्ल्ड है और हम देखते हैं सर्विसेज कि अगर पीएमआई बहुत बढ़िया रहे तो गजब का है। यहां पे भी एक अच्छा खासा हमने देखा 62 पे पीएमआई जो पहले 57.8 था और अप्रैल में वो 62 आया, मार्च में 57.8 था और अप्रैल का महीने में 62, सो दैट्स अगेन अ ह्यूज राइज। फिर हम देख रहे थे एचडीएफसी की वजह से देखिए मार्केट्स में लास्ट डे माहौल थोड़ा बिगड़ा भी बट आगे टाटा स्टील के भी रिजल्ट्स पे वैसे विशेष आए नहीं, बाकी बैंक्स है ये अच्छा कर रही है, आईसीआईसीआई बैंक इज आउट परफॉर्मिंग, पीएसयू बैंक्स भी बढ़िया कर रही है और सीमेंट का रिजल्ट बहुत बढ़िया है, अल्ट्राटेक सीमेंट ने अच्छा माहौल बनाया, तो मैं जनरली इस पर्टिकुलर सेक्टर से काफी स्टॉक्स मैंने रेकमेंड भी किया तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स बढ़िया करेंगे। फिर मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में मार्केट्स में बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि 17,800 से 18,000 के बीच में एक सपोर्ट लेगा और आईटी स्टॉक्स में जो टूट रहे थे वो भी कहीं ना कहीं अब सपोर्ट ले रहे हैं, विप्रो का एक बायबैक की न्यूज भी आई थी उसके बाद से थोड़ा माहौल भी ठीक हुआ। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि एफआईआईज का जो पॉजिटिव सपोर्ट है वो भी बहुत हेल्प कर रहा है, डीआईआई जरूर से प्रॉफिट बुकिंग और माल बेच रहे हैं, बीच में एक जरूर दिन था कि जब दोनों ने कैश मार्केट में पॉजिटिव डेटा दिया, बट एनीवेज इस हफ्ते भी देखिए कंपनी के रिजल्ट्स और मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पे तो नजरें बनी रहेगी और डॉलर रुपी का मूवमेंट भी देखा हमने फेड का और यूरोपियन ईसीबी ने भी इनफैक्ट अपना रेट्स बढ़ाए बट हमारे इंडिया में आरबीआई ने रेट्स नहीं बढ़ाई थी। फिर हम इस बार जो देखने की बात है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स भी हैं मई की 13 तारीख को, तो ओवरऑल इंटरनेशनल फ्रंट पे अप्रैल के इन्फ्लेशन के फिगर्स आएंगे यूएस में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन के नंबर्स के आगे पीछे पूरा मार्केट अभी और फेड पूरी नजरें बनाए रखता है। फिर चाइना का भी इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, तो ये हो गया सारा एक मैंने मार्केट का आउटलुक दिया और अब मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल लेवल्स भी दिया जाए जो हर हफ्ते दे रहे हैं। तो निफ्टी देखिए 18,069 पे बंद हुआ, सपोर्ट जैसा कि मैंने वैसे कहा कि 17,800 बट अगर हम छोटा सपोर्ट की बात करें तो 18,030 से लेकर 17,970 एक
ठीक ठाक सा सपोर्ट बनना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि रेजिस्टेंस जो है 18,250 जहां पे जाके वहां प्रॉफिट बुकिंग आई है वो है। बैंक निफ्टी ने गजब का परफॉर्म किया था, बट अगेन ये भी मुझे अब रेंज बाउंड लग रहे हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी रेंज बाउंड जब होते हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप जबरदस्त परफॉर्म करते हैं, और हम वहीं पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा देखते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप खूब बढ़िया करें। तो बैंक निफ्टी में भी रेजिस्टेंस जो है 43,250 का है, और जो सपोर्ट लगता है वो 42,090 का है। फिर यूएसडी आईएनआर भी रेंज बाउंड है, इनफैक्ट रूपी ठीक ठाक ही अप्रिशिएट कर रहा था, और बढ़िया ऐसा लगता है कि लोअर टॉप फॉर्मेशन जो बनाया है 82 के नीचे जो डॉलर आया तो रूपी के लिए ठीक है। यूरो भी इनफैक्ट थोड़ा मजबूती जरूर दिखा रहा है, बट बाय ऑन डिक्लाइंस वहां पे है। डॉलर इंडेक्स अगेन फेवर में है करेंसीज के, वो भी एक रेंज बाउंड वो दिखा रहा है, और वहां पे भी लोअर टॉप फॉर्मेशन देखने को मिला। गोल्ड सर्टेनली एक हाई बनाया है, फिर ऊपर के लेवल से करेक्ट किया, बट यस अपने 20 डेमा पे सपोर्ट लिया, तो मुझे जो रेजिस्टेंस लगता है वो 60,950 का है, और नीचे सपोर्ट जो है 59,530 का। फिर सिल्वर भी एक रेंज बाउंड मूवमेंट दे रहा है, अगेन इसने भी हाईज बनाए 78,020-290 के, फिर करेक्शन दिया और ये भी अपने 20 डेमा पे सपोर्ट ले रहा है। कॉपर की अगर हम बात करें तो अगेन इसने भी लोअर टॉप फॉर्मेशन लिया है और अपने 753 के जो 20 डेमा है उसके नीचे बंद हुआ है, सो अगेन इट कैन बी अ सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी, और वैसे रेंज बाउंड है। और अब मैं अगर टेक्निकल पिक ऑफ द वीक, मतलब स्टॉक पिक ऑफ द वीक देने जा रहा हूं, और जिस तरीके से क्रूड ऑयल में करेक्शन देखने को मिला है तो सर्टनली ये पेंट सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव रहती है ये चीज, और एशियन पेंट्स को मैं बाय के लिए दे रहा हूं, एशियन पेंट्स को खरीदें। स्टॉक ने अच्छा हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाया है, 20 डेमा के ऊपर बंद हुआ है और 200 डेमा के ऊपर भी बंद होने में सक्षम हुआ है, 2970 का था और 3012 इसका सीएमपी था, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जाए, 3130 का टारगेट लगाए, 3130 से 3150 का और स्टॉप लॉस 2950 का। तो स्टॉक पिक ऑफ द वीक इज एशियन पेंट्स। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, नेक्स्ट हफ्ते अगले हफ्ते फिर वापस से एक नया आउटलुक लेके आएंगे और नया स्टॉक पिक लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।